Hello everyone, welcome to UPSC Editorial Analysis. So in this session, we'll try to understand the important editorial from the Hindu as well as from the Indian Express. So समझने की कोशिश करेंगे जो important editorial है, वो आपके civil service examination में कैसे helpful हो सकती है. And before I begin, I would also like to tell that I'll be discussing some of the important MCQs जो कि current events होंगे, static portions and previous year questions होंगे. ठीक है? So we'll be discussing some of the important MCQs for the aspirants who are preparing for civil services 2020. Right? And before I begin the editorial analysis, I would like to tell you that UPSC essay writing challenge hai hamare paas, jo every Sunday we used to held this essay writing challenge. So aap participate kar sakte hain aur jo best essay hogi that will be awarded with 1000 rupees as in cash. Aur jo winners honge wo website pe unke names that can be reflected. To wahan se check kar sakte ho. And we have prelims mock test series jo comprehensive mock test series hai civil services 2020 ke liye. तो ये कोर्स आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हैं. मैंने डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक दिए हुए हैं. फॉर मोर डिटेल्स यू कैन रेफर देयर. नाउ टुडे इज 29th ऑफ नवंबर एंड दीज आर द एडिटोरियल लिस्ट दैट आई विल बी डिस्कसिंग विद यू. द इनडेप्थ एनालिसिस वुड बी ऑन द इंडियाज फूड बास्केट मस्ट टू बी एनलार्ज्ड. तो ये फ्रॉम द हिंदू है, काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है. आई विल टेल यू द एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एंड दीज आर द अदर लिस्ट ऑफ टॉपिक फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एज वेल एज फ्रॉम द हिंदू. Now let's begin with the in-depth analysis, that is India's food basket must be enlarged. So agrobiodiversity ke bare mein baat ki gayi hai ki how this can help to improve the country poor ranking and the global hunger index jisko GHI bhi kehte hain. Usme kaise this can promote, this can help in curbing the hunger in the country. तो बात करें इसकी इंपॉर्टेंस, तो ये जनरल स्टडीज़ के पेपर टू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो भी इम्पॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर थ्री. और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो अपने ऐसे एग्जाम में आप काफ़ी हद तक यूज़ कर पाओगे. ठीक है? तो दीज एडिटोरियल इज़ वेरी रिलेवेंट फॉर द ऐसे परस्पेक्टिव एज वेल. नाउ पूरी जो बात की गई है एग्रो डाइवर्सिटी के बारे में बात की गई है एंड द फ्यूचर्स ऑफ इंडिया फूड बास्केट, व्हाट वुड बी द इंडिया फ्यूचर ऑफ फूड बास्केट, उसके बारे में जिक्र है. तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा और एग्जाम के लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीलिम्स और मेंस के लिए वो भी साथ के साथ डिस्कस करता चलूंगा. सो व्हाट इज एग्रो बायोडाइवर्सिटी? देखो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जब भी हम कुछ बताते हैं तो उसकी डेफिनेशन के टर्म्स से समझना जरूरी है. तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफाइन एज अ वैरायटी एंड द वेरिएबिलिटी ऑफ द प्लांट्स फर्स्ट, उसके बाद एनिमल्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है? जिससे दैट आर यूज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर्स. ठीक है? पूरे सबको इस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वुड बी टर्म्स एज एग्रो बायोडाइवर्सिटी. ठीक है? नाउ अभी बात करें अगर प्रेजेंट कंटेक्स में, तो ओनली 30 क्रॉप्स ऐसे हैं पूरे वर्ल्ड एग्रीकल्चर में जिसमें भी अगर डोमिनेंस की बात करें तो मेज, राइस एंड वीट दैट सप्लाई हाफ ऑफ द डेली कैलोरीज अक्रॉस द वर्ल्ड. पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो कैलोरी इनटेक है, मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ईदर ऑन मेज, राइस और वीट. इन इंडिया वी आर प्रीडोमिनेटली डोमिनेटेड ऑन राइस एंड वीट. ठीक है? हमारा जो स्टेपल फूड है दैट इज राइस एंड वीट. टॉकिंग अबाउट द इंपॉर्टेंट क्रूशियल, इट इज एग्रो बायोडाइवर्सिटी की जो क्रूशियलिटी की बात करें तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड इट वुड बी एसेंशियल इन द एग्रीकल्चर लैंडस्केप एज वेल. जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वहाँ पे भी इसकी बहुत ही अहम भूमिका हो सकती है. राइट? सो दिस कैन बी द पॉसिबल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रो बायोडाइवर्सिटी. नाउ बात करें एग्रो बायोडाइवर्सिटी और भी किन किन चीज़ों में मदद करती है, तो इट हेल्प इन द न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इट ऑल्सो हेल्प इन द बायोफोर्टिफाइड फूड्स. जो बायोफोर्टिफाइड फूड्स होते हैं जहाँ पे किसी एक स्पेशल लेवल को इंक्रीज किया, जैसे मान लो आपको प्रोटीन रिच फूड चाहिए तो आपको प्रोटीन मिलेगा, इफ़ यू वॉन्ट द कैल्शियम रिच फूड यू विल गेट द कैल्शियम. तो इसको बायोफोर्टिफाइड फूड्स कहते हैं जहाँ पे एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान दिया जाता है. राइट? उसके बाद अगर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताऊँ एग्रो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, तो अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल जैसे ड्रम स्टिक्स हैं, या फिर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिलेटेड जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का भी पाए जाते हैं, या फिर स्वीट पोटैटो है दैट आर रिच इन बेसिकली विटामिन ए. ठीक है? उसके बाद बात करें जो वैरायटी ऑफ पर्ल मिलेट्स है या 100 ग्राम है, दे आर रिच इन आयरन एंड जिंक. फाइन? उसके बाद अगर इंडिया में अगर आप देखोगे जो सेंटर ऑफ ऑरिजिन है, जो राइस की ऑरिजिन बात की जाए, या फिर ब्रिंजल, सिट्रस फ्रूट, बनाना, क्यूकम्बर है ना, था स्पीसीज हर हैड देयर ऑरिजिन इन इंडिया इटसेल्फ. ठीक है? तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ ऑरिजिन फॉर दिस नंबर ऑफ फूड आइटम्स. बात करें एग्रो बायोडाइवर्सिटी, तो इसकी जो फ्यूचर जो फिजिबिलिटी है आने वाले समय में, इट कैन हेल्प टू इम्प्रूव द कंट्री
पुअर रैंकिंग एंड जो ग्लोबल हंडर इंडेक्स में जहां हम लैग कर रहे हैं उसको बहुत हद तक कर्ब कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है. तो इट इज अ वेरी पोटेंशियल फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर जहां पे वी कैन रिड्यूस द हंगर एज वेल. मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ. जो इंडिया की जो हंगर इंडेक्स है, आई मीन प्रेजेंट की जो बात करें, तो वहाँ पे जो हमारी रैंकिंग है 102 है, दैट इज 102. तो जो पूरी अमॉन्ग 117 कंट्रीज में, तो हमारा जो परफॉर्मेंस है इज नॉट दैट वेल, वी आर द पुअर परफॉर्मर. तो हमें कैसे इसको इम्प्रूव करना है, तो वी कैन टेक एग्रो बायोडाइवर्सिटी एज एन टूल टू कर्ब द हंगर. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, वॉट इज हंगर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हंगर क्या है, भूख क्या होती है, हंगर को डिफाइन कैसे करते हैं. देखो, हंगर इज डिफाइंड एज अ कैलोरी डेप्रिवेशन, ठीक है, जहां पे प्रोटीन हंगर होगा, हिडन हंगर होगी बाय द डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. देखो, आपको पता होगा कि हंगर का डेफिनेशन क्या है, बट आपको जब रियल एग्जामिनेशन में लिखने की बात की जाए तो आप नहीं लिख पाते हो. कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम लिखे क्या. सो दैट इज व्हाई मैं बेसिक चीजों को भी इंक्लूड करता हूँ, सो दैट अगर आप नोट्स बना रहे हो तो आपके पास सारी चीजें एक जगह पे हो. और हंगर कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन थ्री वेज. जो तीन वेज हैं जो हंगर को मैनिफेस्ट करने के लिए, जिससे पता चलता है कि कंगर जो कंट्री है वो हंगरी, नो स्टेटस ऑफ द हंगर, तो वहाँ पे अंडर न्यूट्रिशन होगा उस देश में या उस लोग उस ग्रुप के बीच, या फिर दे विल बी मैल न्यूट्रिश और दे विल बी वेस्टिंग. वेस्टिंग आपको पता है वो होता है जहाँ पे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, उसकी जो प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नॉट टेकिंग प्लेस, ठीक है, स्टंट ग्रोथ होता है, दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग. नाउ मूविंग अहेड, इंडिया की क्या स्टेटस है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है. देखो, प्रेजेंट में ऑलमोस्ट 47 मिलियन जो लोग हैं, या फिर मैं कहूँ 4th out of 10 चिल्ड्रेन में इंडिया, दे डू नॉट मीट देयर पोटेंशियल. क्यों? बिकॉज दे आर अंडर गोइंग थ्रू अ क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन और स्टनिंग. ठीक है, तो मैं अगर बात करूँ, 10 में से 4 लोग ऐसे हैं, 10 out of 4 लोग ऐसे हैं, दे आर स्टनिंग और दे आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर न्यूट्रिशन थ्रू देयर डाइट. ठीक है, सो इसके वजह से क्या हो रहा है, दैट लीड टू द डेमिनिश इन द लर्निंग कैपेसिटी. जो उन बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है. एट द सेम टाइम द डिक्रीज इन द क्रॉनिक डिजीजेज हो रही है, इंक्रीज हो रही है. बेसिकली जो क्रॉनिक डिजीज है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज, एंड लो बर्थ वेट इन्फेंट्स हो रही हैं. ठीक है, जो बच्चे जो जन्म ले रहे हैं उनका जो बर्थ है वो काफ़ी लो है. ठीक है, लो बर्थ रेट है. एंड द मैल न्यूट्रिश पेरेंट्स, बेसिकली जो मदर है, जो प्रॉपर डाइट होनी चाहिए एक प्रेग्नेंट लेडी की, इंडिया में स्टिल वी हैव नॉट दैट नो नॉलेज बेस्ड, जहाँ पे न्यूट्रिशन का लेवल जो है बहुत ही डाउन है. अभी आशा वर्कर्स हैं या गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आयरन एंड फॉलिक एसिड्स के टैबलेट्स दिए जा रहे हैं, ओके, जो तो उस वजह से मैल न्यूट्रिशन है. थोड़ा बहुत हमने कुछ चीज़ों को सक्सेसफुल पाया, बट अगेन बहुत काम करने की ज़रूरत है. मैल न्यूट्रिशन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा है. अगर ग्लोबली न्यूट्रिएंट्स रिपोर्ट की बात करो तो ऑलमोस्ट 640 मिलियन वुमेन ऐसी हैं, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल न्यूट्रिएंट्स में, एंड मोर देन हाफ ऑफ द वुमेन इन इंडिया. सी, दिस इज अगेन कैन द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा फॉर यू. हाफ ऑफ द इंडिया एज्ड ग्रुप बिटवीन 15 to 49 इज एनेमिक. They are anemic. They have the loss of iron. Anemic is such a situation है जहाँ पे iron, जो blood में iron की कमी काफी ज़्यादा हो जाती है, and there are other, when it's come to pregnancy, तो बहुत ज़्यादा जो infants हैं, जो बच्चे उनके में हैं, so उनको बहुत ज़्यादा complications का सामना करना पड़ता है. जो growth है, the brain formation है, जो overall development of the body is get stunned, ठीक है, because of the loss of the iron और जो anemic stages में होते हैं. Now moving ahead. न्यूट्रिशन गार्डन एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, दैट इज़ फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट. तो ये जो पॉइंट है ये आपके प्रिलिम्स के लिए बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं. सो दैट इज ब्राउट अंडर द दैट इज स्कूल दैट इज कॉल्ड ग्रीन स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन गाइडलाइंस. ठीक है, तो इसका जो पूरा एम है, इट एम टू इंश्योर एक इको क्लब बनाया जाए फॉर द स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल द बेस्ट सूटेड, जो जो हर टोपोग्राफी जिस एरिया के लिए बेस्ट सूटेड है, जिस सॉइल के लिए बेस्ट सूटेड है और जिस क्लाइमेट के लिए बेस्ट सूटेड है, उसके हिसाब से उनको जानकारी दी जाएगी. दे वुड बी इनकरेज टू प्रमोट दैट, एंड दिस गार्डन वुड हेल्प द स्टूडेंट एज अ लाइफ लॉन्ग सोशल न्यूमेरिकल एंड प्रेजेंटेबल स्किल. एक तरह से जो अभी वो सीखेंगे वो बाद में अपने लाइफ लॉन्ग वो नॉलेज को कैरी कर सकते हैं. ठीक है,
ek tarah se they can further use it as a teamwork besides being used in the non-mill schemes. Or student would also learn to cultivate fruits, kis tarah se fruits ko cultivate karte hain. Dekho, it is not only the farmer skill, ek basic skill sabko pata hona chahiye, aapko, mujhe, sab logo ko basic cheeze pata hona chahiye ki how the cultivation is taking place, be it any fruit, any vegetables in their homes they can grow and they can address the micronutrient deficiencies jo unke ghar mein hai ya fir unke aas paas unke pados mein unko wo khatam kar sakte hain. So puri koshish ye ki gayi hai ki awareness program laya jaye through nutrition garden scheme. Right now moving ahead, जो यूएन की स्टेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है यूएन का, उसके वो भी आप जान लो, जो गोल 2 है दैट कॉल्स फॉर दैट एडवोकेट्स फॉर जीरो हंगर, और जो एचआई बायो टारगेट्स है उसका भी कहना है दैट फोकस ऑन द कंट्री कंजर्विंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट फार्म लाइफ स्टॉक एंड द वाइल्ड रिलेटिव्स. ठीक है, तो ये सारी गोल्स भी आप अगर मेंस में लिखते हो तो ये जरूर लिखना. उसके बाद इट ऑल्सो एम्फेसिस ऑन द कंट्री डेवलपिंग स्ट्रैटेजी. ठीक है, एक ऐसे स्ट्रैटेजी डेवलप करे, एक इस तरह का एक्शन प्लान करे जहाँ पे जो बायोडायवर्सिटी लॉस है या जो डायरेक्ट प्रेशर ऑन बायोडायवर्सिटी है उसको खत्म किया जा सके, उसको कर्ब किया जा सके. राइट, तो ये एक यूएन की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, गोल 2 में जो एडवोकेट है. राइट, मूविंग है, सेप पॉल है एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा, उसकी क्या क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, तो सेप पॉल को जो उसकी जो पूरी फुल फॉर्म है दैट इज सेंटर फॉर बायोडायवर्सिटी पॉलिसी एंड लॉ. सो एक यूनिट है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जिसको एनबीए भी कहते हैं, इस पे यूपीएससी ने सवाल भी पूछा हुआ है प्रिलिम्स में, और मैं समझता हूं कि सेप पॉल पे भी एक सवाल प्रिलिम्स में बनते हैं. ठीक है, तो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप कहीं से भी ना छोड़े. तो सेप पॉल इज फॉर्म्ड बेसिकली टू डील विद द इमर्जिंग जो करंट बायोडायवर्सिटी के जो प्रॉब्लम्स है, गवर्नेंस रिलेटेड जो पॉलिसी रिलेटेड इश्यूज हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे डील किया जाए. एंड इट ऑल्सो इट हैज गिवन अ टास्क टू कम अप विद द कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, किस तरह का कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए सेपॉल जहाँ से जो इकोलॉजिकल एग्रीकल्चर्स हैं एंड टू इन्हेंस द नेटिव पेस्ट एंड द जो पॉलिनेटर पॉपुलेशन है उनको इंक्रीज किया जाए. तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक नो इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की तरफ से, एक ऐसी विंग्स बनाई गई है जहाँ पे दे विल बी टेकिंग ऑल द इनिशिएटिव फ्रॉम देयर एंड. उसकी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है, अगर मेंस में मैं समझता हूँ अगर ये सवाल आता है तो ये रिकमेंडेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा. तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो एग्रो बायोडायवर्सिटी है तो उसको कैसे इंक्रीज किया जाए इन 2019 एंड इट वुड बी फर्दर इंक्रीज टिल 2020. ठीक है, उसको वहाँ तक इंक्रीज किया जाए. फिर इसने सजेस्ट किया है कि जो बायो विलेज कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो एम एस स्वामीनाथन की जो रिसर्च फाउंडेशन ने जो बताया था फॉर इको जो जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है जिसको ESF भी कहते हैं या इको सेंसिटिव जो फार्मिंग जो है उसको वहाँ पे कैसे हम बायो विलेज कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर सकते हैं. उसके अलावे इट हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड दैट प्रमोटिंग इंसेंटिव फॉर फार्मर, ऐसे फार्मर के लिए जो कि अपने जो कंजर्व जो इंडिजीनियस फ्रूट है जिसको वो ग्रो कर रहे हैं या फिर उसको कंजर्व कर रहे हैं उनको हम एक इंसेंटिव दें, या वो लाइफ स्टॉक भी हो सकती है, पॉलिटी वेराइटीज़ हो सकती है, या फिर जो ब्रीड्स हैं उन लोगों को जिन्होंने अभी तक कंजर्व किया हुआ है उनको इंसेंटिव देना चाहिए. उसके बाद उन्होंने ऑल्सो रिकमेंड किया कि इंकरेजिंग द कम्युनिटी सीड बैंक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कम्युनिटी सीड बैंक है उसको एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी है उस जगह पे, यू नो इट शुड बी इंक्रीज्ड फॉर ईच क्लाइमेटिक जोन. नाउ प्रिपेयरिंग फॉर एग्रो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स के बारे में भी रिकमेंडेशन है कि एक तरह से एग्रो बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स बनानी चाहिए, आइडेंटिफाइंग द जो बायोडाइवर्सिटिकल हेरिटेज है अंडर द प्रोविजन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 उसको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए. तो सेप पॉल की ये सारी रिकमेंडेशन है, और जो दो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है वो मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट देखो, डेवलपिंग अ नेशनल लेवल इन्वेसिव एलियन पॉलिसी, तो इट वुड हेल्प क्या, जो वहाँ पे जो लोग जो इन्वेसिव स्पीसीज हैं उनकी जो ग्रोथ है, जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो मेंटेन रहेगी. उसके बाद सेप पॉल का और कहना था कि जो मेन मेनस्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी है इनटू एग्रीकल्चर पॉलिसीज या स्कीम्स ऐसे हो, ऐसे प्रोग्राम्स हो जो प्रोजेक्ट करें इंडिया की फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड मिनिमाइज द जेनेटिक इरोजन. तो ये सारे पॉइंट्स आपके मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर सवाल आते हैं तो ये ज़रूर लिखना. राइट, नाउ मूविंग अहेड, वट इज़ द इम्पॉर्टेंट वे अहेड. देखो, वे अहेड जानना बहुत जरूरी है आपके लिए कि क्या इंपॉर्टेंट वे अहेड हो सकता है. सो द फर्स्ट इज लाइक द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ द क्रॉप है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए, जो लाइफ स्टॉक है और जो अदर वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनके उसको कैसे फंडामेंटली इम्प्रूव किया जाए एंड इम्प्रूव द क्रॉप वराइटी एंड द लाइफ स्टॉक ब्रीड्स को कैसे इम्प्रूव करें.
तो ये पूरी कोशिश होनी चाहिए सरकार की तरफ से या फिर ऐसे लोग जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफ़ी अहम हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट द कंजम्पशन पैटर्न एंड द क्लिनरी डाइवर्सिटी नीड टू बी इनलार्ज टू इंक्रीज इंडियाज फूड बास्केट। सो ऐसे करके अगर हम डाइवर्सिटी लाते हैं जो इंडिया के जो फूड बास्केट है दैट वुड अल्टीमेटली इंक्रीज, right? So this is what is being dealt in this editorial, and I have tried to put all the other information that is relevant for the examination. Now moving ahead with the Hindu, तो यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ दो editorial और discuss करूँगा. So not as you say but as you do, ठीक है? And ये तो मैंने आपको बता ही दिया, this was our in-depth analysis जो कि मैंने हिंदू से लिया हुआ था. So this on the food basket and should the life of the convicts to be denied remissions, ठीक है? ये बारे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओवरकमिंग द डोगमा, वो वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी श्रीलंका के बारे में है, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस ऑलरेडी हमने डेल्ट किया हुआ है, राइट? सो एज यू नो ये जो है जो बेसिकली सुसैनी हैदर ने लिखा है, ये आपके जनरल स्टडीज पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, नेबरहुड रिलेशंस की बात करें, बायलैटरल एंगेजमेंट की बात करें, वहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. देखो तो आपको पता हुआ है अभी जो इलेक्शन हुई है वहाँ पे प्रेसिडेंट की इलेक्शन हुई है, तो गोताब्य राजापक्षे जो है दैट इज गोताब्य राजापक्षे, ठीक है? मैं शॉर्ट में लिखते रहा हूँ, आई बेटर राइट इट जी आर, गोताब्य राजापक्षे जो हैं, सो वो ही हैज वॉन द इलेक्शन. तो उसके बाद जो वैक्यूम है, द वैक्यूम इज इन द इंडिया एंड श्रीलंका के जो रिलेशंस में है उसको कैसे कर्व किया जाए उसके बारे में बातें हैं. एंड ही हैज इन द विजिट, अभी से वो जो प्रेसिडेंट हैं ही इज इन द इंडिया विजिट, टू डे विजिट पे हैं वो, ठीक है? अभी दो दिन वो मिलेंगे. ही हैज ऑल्सो मेट द फॉरेन मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, सबसे उनकी मुलाकात हुई है. तो सुसैनी हैदर ने बताने की कोशिश की है जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं दैट आर पेंडिंग, ठीक है? जो अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो स्टिल इज अबाउट टू नो कम्प्लीट, जो रायसेना के टाइम में जो पहले जो मिनिस्टर्स थे, अभी क्या है जो प्रेजेंट डे में जो ये ही इज़ अ एल्डर ब्रदर, बेसिकली जो इनके जो एल्डर ब्रदर है वो पीएम है और जो छोटे भाई है वो प्रेसिडेंट है. तो एक तरह से अभी दिस इज़ अ राइट टाइम फॉर इंडिया टू गेट अ राइट इंटरेक्शन विद श्रीलंका. जो भी वैक्यूम्स हैं, जो भी चीज़ें हमने पीछे छोड़ दिया है उनको कैसे ओवरकम कर सकें. दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कशन है कि नो जो खटास आई थी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशनशिप में बीच में, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इंडिया हैज़ बीन स्नूपिंग ऑन द जो 2015 में जो इलेक्शन हुई थी उसकी जो सीक्रेट डिटेल्स थी दैट इंडिया हैज़ टेकन, पर ऐसा कुछ दैट इज़ नॉट अगेन वैलिडेटेड, तो हम उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, राइट? सो एक कॉन्स्पिरेंसी बताई गई थी कि जो इलेक्ट्रोल लॉस हुआ था दैट वॉज इंडियन इंटेलिजेंस ने उसकी कुछ कॉन्स्पिरेंसी की थी, बट दैट अगेन इज़ अ डिफरेंट डोमेन. आर पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड कि जो MOUs जो साइंड हुए हैं, जो पहले MOU साइन हो रखे हैं प्रीवियस प्रेसिडेंट के टाइम में, या उसको कैसे कंप्लीट किया जाए, जो वैक्यूम है उसको कैसे फुलफिल किया जाए. यहाँ पे थोड़ी सी बात चाइना एंड नेपाल के बारे में भी डिस्कशन है कि यू नो अपार्ट फ्रॉम श्रीलंका जो नेपाल जो हमारा सबसे इमीडिएट नेबर है नेबरहुड पॉलिसी के तौर पे, इन दोनों कंट्रीज पे चाइना ने बहुत हद तक कंट्रोल किया हुआ, जो वैक्यूम इंडिया ने छोड़ा है सो दैट इज़ अगेन नॉट फिल्ड बाय चाइना. तो उसको लेकर के एक नो एक अलार्मिंग सिचुएशन भी सुसैनी हैदर ने बताने की कोशिश की है. और इस तरह के एडिटोरियल ये लिखते रहती हैं, और मैंने पहले भी इस इशू पे नेपाल के इशूज पे भी पहले भी एडिटोरियल बनाया हुआ है, तो आपको अगर कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल में देखना तो वो वीडियो भी रेफर कर सकते हो, राइट? नाउ मूविंग अहेड, शुड द लाइफ कन्विक्स बी डिनाइड रिमिशन, तो इसके बारे में जिक्र है. केस स्टडी के तौर पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है? जो कि आपके इथिक्स के पेपर में, मैं अगर बात करूँ जनरल स्टडीज़ के 4 के पेपर में भी यूटिलाइज हो सकती है. तो इसमें बताया गया है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि जो लाइफ टर्म जिनको मिल जाता है, जो लाइफ कन्विक्ट्स है, फुल टर्म जो कन्विक्ट्स हैं उनको रिमिशन मिलना चाहिए नहीं. तो एक ओपिनियन बेस्ड है, आप अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है? तो इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ. नाउ मूविंग अहेड, इंडियन एक्सप्रेस के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, अ कोड फॉर द रिजोल्यूशन, ठीक है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसके बाद ऑन द वे टू फुटिंग, ये दोनों एक तरह के एडिटोरियल है, मैं कोशिश करूंगा आपको एक बार में बता दूं. और वेस्टर्न फॉर द ह्यूमैनिज्म, देखो ये जो एडिटोरियल है ये बेसिकली जो जेएनयू की प्रोटेस्ट चल रही है उसके बारे में जिक्र है, राइट? एंड इट हैज टोल्ड कि जो भी जो फर्स्ट जनरेशन होते हैं किसी फैमिलीज के, अगर आप जेएनयू की बात करें स्पेशली, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, एक केंद्र यूनिवर्सिटी है, ठीक है? तो वहाँ पे बेसिकली जो पॉइंट्स उभर के आए इस एडिटोरियल में कि जो फर्स्ट जनरेशन के लोग होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं, राइट? तो
तो उनको कैसे कर्व किया जा रहा है, जो लर्नर है उनको एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड में चीज़ों को प्रमोट करनी चाहिए, ना कि गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट तरीके से जहाँ पे एक लर्निंग नो जहाँ पे कम्युनिटीज़ जाती हैं अलग अलग। आप देखोगे जो जो जेएनयू है वहाँ पे फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पीपल आते हैं, साउथ इंडियन के लोग हैं, वेस्ट के लोग हैं, ईस्टर्न यूपी बिहार के काफ़ी लोग हैं वहाँ पे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ जो लर्निंग जो सेंटर्स हैं वहाँ पे नो एक तरह का ह्यूमैनिटेरियन कैसे अप्रोच रखा जाए ताकि उनको प्रमोट किया जाए, वो पढ़ें एंड दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। और जो पूरी इंपॉर्टेंट बात की गई है, जो फर्स्ट जनरेशन के जो लोग हैं, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर है वो अपने घर से बाहर निकलते हैं एक तालीम लेने के लिए कि अच्छी तालीम लें, एंड दे कैन नो डेफिनेटली ऑगमेंट द क्वालिटी ऑफ देयर एजुकेशन, देयर फैमिलीज आफ्टर द लाइवलीहुड। तो उस पर चीज़ें पर बात की गई है, तो बहुत ज़्यादा कंटेंट वाइज यहाँ पे चीज़ें नहीं है तो मैं इसको एनालिसिस में आगे इंक्लूड नहीं किया हूँ। नाउ मूविंग अहेड, अ कोड फॉर द रिजोल्यूशन। आपको जैसे पता होगा आईबीसी जो है बेसिकली जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ कम एज अ लर्निंग आउटकम एंड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में एक बैकग्राउंड बताऊं कि क्या इस एडिटोरियल में कहने की कोशिश की गई है। जो आईबीसी है वो 2016 में आया होगा, आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये बात, एंड इट हैज़ एम टू रिजॉल्व जो भी इंसॉल्वेंसी जो कंपनी है उसको कैसे ना जो बैड लोन्स है उसको कैसे ख़त्म किया जाए। सो दिस वॉज द मेन पर्पज कंसिडरिंग जो बिगेस्ट इंसॉल्वेंसी रिफॉर्म, एक जो हिस्ट्री में अभी तक की इंडियन इकोनॉमी हिस्ट्री में ये सबसे बड़ा रिफॉर्म के तौर पर देखा गया है, ठीक है। फिर जो ऑब्जेक्टिव है आईबीसी के वो इसमें ऑलरेडी डिस्कस, तो ऑब्जेक्टिव थी कि कैसे प्रोटेक्ट करें जो क्रेडिटर्स हैं इंक्लूडिंग द स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, टाइम बाउंड मैनर में कंपनी को कैसे रिवाइव किया जाए, ओके इन अ टाइम बाउंड मैनर कैसे कंपनी को रिवाइव किया जाए। उसके बाद प्रमोट करें एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। सो दीज वर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नो इनिशिएटिव दैट वाज टेकन फ्रॉम द आईबीसी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ एक इकोसिस्टम बनाई गई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एक इकोसिस्टम बन के उभर के आई है। आई बेटर राइट एन हेयर सो दैट यू गेट द क्लैरिटी। एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई थी यहाँ पे, ठीक है, एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। तो जो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड थी उन्होंने बेसिकली फर्स्ट बनाया एनसीएलटी को, जिसको कहते हैं नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ठीक है, आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू, एनसीएलटी। उसके बाद डीआरटी बनाई गई जिसको कहते थे डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, तो इनकी अलग जुरिसडिक्शन थी, जो लाइबिलिटीज हैं उनको कैसे लाया जाए। उसके बाद बना आईबीबीआई, ठीक है, आईबीबीआई का फुल फॉर्म है बेसिकली द इंसॉल्वेंसी बैंक बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो उसके एक एपेक्स बॉडी बनाई गई जो प्रमोट करती थी ट्रांसपेरेंसी, गवर्नेंस को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एंड सेटिंग अप द अदर आईपीज जो प्रोफेशनल है या फिर जो आईयूज है, जो इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ है उनको कैसे रेगुलेट किया जाए। सो ये सारी चीज़ें बनाई गई, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज बनाई गई। सो अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, अगर एग्जाम में आता है आईबीसी के तो उसके पॉजिटिव नोट्स अभी तक इकोनॉमिकल रिफॉर्म में ये जो डेट से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसमें एक बहुत ही बड़ा रिफॉर्म देखा गया है, राइट, एंड इट हैज़ बीन अ ह्यूज सक्सेस एज अ पार्ट ऑफ आईपीसी, ठीक है। तो ये पूरी डिस्कशन उसके बारे में है, अ कोड फॉर द रिजोल्यूशन, जैसे टाइटल से आप समझ पा रहे हो, तो इसको आप जरूर पढ़ना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप जरूर से जॉट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, राइट। नाउ मूविंग अहेड, जनरल स्टडीज पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पॉलिसी। तो जैसे मैंने आपको अब बताया ऑन द रूम फॉर द न्यू फुटिंग एंड हाउ टू गेन द लॉसन, तो ये दोनों को आप क्लब करके पढ़ सकते हो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इसका मिक्स करके ले सकते हो। देखो बेसिकली श्रीलंका की बात करूँ, इंडिया एंड श्रीलंका, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है श्रीलंका के साथ, ओके। सो अभी क्या है, जो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं वो दोनों अपने बेसिकली जो अभी रिसेंट की प्रेसिडेंटशिप है और जो मोदी की जो 2.0 है वो दोनों फुल सपोर्ट पे हैं, ठीक है। वो जो दोनों अपनी जो गवर्नमेंट है वो पूरी मेजॉरिटी के साथ सरकार बना करके आई है। तो दोनों देशों के पास ये एक मौका है, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि किसी की तरफ से ना कोई अगर अपोजिशन नहीं है तो दे कैन ऑगमेंट द रिलेशनशिप इन अ बेटर वे, इन अ बेटर मैनर। और जो भी जो प्रीवियस चीज़ें जो छूटती आई है, जो अगर मैं बात करूँ 2015 के टाइम में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट इंगेजमेंट हुई थी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट MOU साइन हुए थे गवर्नमेंट के साथ, सो दैट इज स्टिल पेंडिंग। तो जो एक ओवर लेफ्ट जो सिचुएशन था वहाँ पे उसको हम खत्म कर सकते हैं, जो पास्ट में जो चीज़ें छूट आई है उसको खत्म कर सकते हैं, ओके। अगर मैं आपको बताऊँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें, तो जो न्यू दिल्ली का जो कोलंबो जो कॉरिडोर है, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म है उसको हम खत्म कर सकते हैं, जो जाफना कोलंबो रेल कॉरिडोर है, ठीक है, रेल कॉरिडोर है उसको वी कैन अपग्रेड दैट। उसके बाद और बातें की गई थी
how New Delhi can show that, you know, ability that Colombo could desire, the jo cooperation hai, benefits among the less developed areas hai, usko kaise develop kiya ja sakte hai. To India ke liye ye zaruri hai, jo vacuum humne choda hua hai, usko hum, you know, almost we can inculpate and we can overcome it. So what will happen? Jo humne Sri Lanka mein agar humne vacuum choda, to because jo maritime security ki baat kare, to wahan pe bhi ye kafi important aspect ho sakta hai, kyunki agar India ne apna pura nahi kiya, to that again the vacuum jo main pehle bhi aapko bataya hu, that will be overtaken by the China. To ek concern bhi raise kiya gaya hai, aur jo Rajapakse jo abhi jo new president hai, dono bhai abhi Prime Minister है, एक President है, तो India के लिए इस time पे ये काफी important होगा कि जो भी relationship है, उसको हम कैसे repair कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस editorial में basically आपको repairing के बाद मिलेगी, and इसमें है जो गोताबे राजापक्षे हैं, वो जो Delhi visit किए हैं, उसके बाद India का क्या एक way ahead होना चाहिए, क्या roadmap होना चाहिए with India Sri Lanka relation, ये discussion है। अभी ऐसे editorial एक दो दिन और आएंगे, तो मैं इससे पहले भी मैंने editorial में discuss किया हुआ है India और श्रीलंका का relation, तो आप वहाँ पे भी cross check कर सकते हो, और आप एक बार एक jot down कर लेना important point, अगर कुछ ऐसे development में कुछ आपको important content मिलते हैं तो आप इसको include करना, बाकी मैंने already सारी चीज़ों को discuss कर लिया है। Now moving ahead, कुछ important questions मैं आपके साथ discuss करना चाहूँगा जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। So the first would be from the Indian polity, so एक static portion से question है, तो आपको मुझे बताना है इन statement के लिए कि president can issue an ordinance that can be issued only, mind the word, only on the subjects of the parliament which can make the laws. उसके बाद governance ordinance making power is not discretionary power, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, वन करेक्ट है, टू करेक्ट है, बोथ वन एंड टू करेक्ट है, और नीदर ऑफ देम इज करेक्ट। सो आप मुझे बताएं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, हमें अपने करेक्ट आंसर को लिख करके बताएं, तो हमें पता चलेगा आप में से कई लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा जो सेकेंड क्वेश्चन है, दिस इज फ्रॉम एन PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये UPSC ने ऑलरेडी 2014 में पूछा हुआ है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो क्या है इसके बारे में, CPCB जो है वो क्या है, इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट 1974, और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट द कंट्रोल ऑफ द इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, इस तरह के सवाल वापस कभी भी यूपी से रिवर्स कर सकती है, सेम क्वेश्चन नहीं रिवर्स होगा, बट जो एसेंस है इसके बारे में अगेन दिस बॉडी कैन बी अगेन आस्क्ड, राइट। तो जो इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, ओनली वन इज करेक्ट, वन एंड थ्री इज करेक्ट, टू एंड थ्री इज करेक्ट, और वन टू एंड थ्री करेक्ट। आपको जो अच्छा लगता है, आई मीन जो करेक्ट आंसर है वो आप एनालाइज करो, थोड़ा अपने एनालिटिकल एंगल से देखो, एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, राइट। सो दिस वॉज देयर द एनालिसिस ऑफ द डे, यू डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आर APTIPLUS ऑफिशियल चैनल, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब द APTIPLUS टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन क्वेश्चंस PDF एवरीथिंग देयर इन द टेलीग्राम चैनल, ओके। सो इट वुड बी एंड वन एंड प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सारी चीजें UPSC से रिलेटेड मिलेगी, राइट। And I sincerely thank you for listening to this video. If you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. And I'll meet you in the next video with some of the important editorial analysis that would be helpful for you. And sincerely thank you for so much for listening to this video.